आज हम सबसे पहले आपको यह दिखाएंगे कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो कैसे बड़े बेआबरू होकर भारत से लौटे हैं, और जाते जाते भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें एक लेक्चर भी दिया और ये भी पाकिस्तान से पूछ लिया कि पाकिस्तान पीओके को कब खाली कर रहा है। लेकिन हम इस विशेषण की शुरुआत उस 6 सेकंड के वीडियो से करना चाहते हैं जिसकी आज पूरे देश में चर्चा हो रही है, हमसे भी ज्यादा पाकिस्तान में चर्चा हो रही है। और इस वीडियो में बिलावल भुट्टो को ये 6 सेकंड 6 घंटे की तरह लग रहे थे। बिलावल भुट्टो सोच रहे होंगे कि ये 6 सेकंड कब बीतेंगे और कब मैं यहां से चलूं। पहले आप ये वीडियो देखिए, ये वीडियो है एससीओ के मंच का जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर खड़े हैं, बिलावल भुट्टो आते हैं, दूरियां दोनों की देखिए। भारत के विदेश मंत्री ने सिर्फ एक नमस्कार किया और 6 सेकंड के बाद बिलावल भुट्टो को जाने के लिए कह दिया। फिर से आप देखिए, एससीओ का मतलब है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और यह संगठन मूलतः रशिया और चीन का एक फोरम था जिसमें पहले सिर्फ मध्य एशिया के देश शामिल थे जो विघटन से पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन इसके बाद चीन ने इस संगठन में पाकिस्तान को शामिल करने की कोशिश की और फिर जवाब में रशिया ने भारत के नाम का प्रस्ताव रखा और 2017 से भारत और पाकिस्तान भी एससीओ के सदस्य बन गए। इस संगठन में अपने दो सबसे बड़े दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद भारत के लिए एससीओ सेंट्रल एशिया के एक गेटवे की तरह है, इसलिए भारत इसमें मौजूद रहना चाहता है। बड़ी बात यह है कि आज जिस वक्त गोवा में भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री एक ही मंच पर और एक ही हॉल में मौजूद थे, उस वक्त भी पाकिस्तान आतंकवाद की साजिश रच रहा था और आज ही जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में आतंकवादियों के साथ एक एनकाउंटर में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए। इसके अलावा आज जब एससीओ समिट के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद को लेकर एक कड़ा संदेश दिया और यह भी कहा कि आतंकवाद से पीड़ित और आतंकवाद की साजिशकर्ता एक साथ नहीं बैठ सकते और पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रवक्ता है। अब हम आपके लिए उस खबर का विश्लेषण करेंगे जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। यह खबर ब्रिटेन के नए राजा किंग चार्ल्स द थर्ड के बारे में है जिनकी 6 मई को कोरोनेशन सेरेमनी होने वाली है। कोरोनेशन सेरेमनी के बारे में आप लगातार सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। कोरोनेशन सेरेमनी को हिंदी में राज्याभिषेक समारोह कहते हैं। इसका मतलब होता है राजा को आधिकारिक रूप से राज सिंहासन की जिम्मेदारी सौंपना और उसकी ताजपोशी करना। ब्रिटेन के समय के अनुसार किंग चार्ल्स द थर्ड का राज्याभिषेक समारोह 6 मई को सुबह 11 बजे शुरू होगा और यह दोपहर 1 बजे तक चलेगा और इस समारोह में दुनिया के 203 देशों से कुल मिलाकर 2000 नेता बतौर अतिथि के रूप में शामिल होंगे और इस पूरे समारोह का लाइव प्रसारण होगा। सोचिए, ब्रिटेन के राजा की ताजपोशी हो रही है और पूरी दुनिया के लोग इसमें शामिल होने के लिए ब्रिटेन जा रहे हैं। इससे भी बड़ा मजाक यह है कि किंग चार्ल्स सिर्फ ब्रिटेन के राजा नहीं बनेंगे बल्कि वो दुनिया के 14 और देशों के राजा बनने वाले हैं और इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड जैसे देश भी शामिल हैं। वहां के भी ये राजा बन जाएंगे तो किंग चार्ल्स ब्रिटेन को मिलाकर 15 देशों के राजा बनेंगे। यूनाइटेड किंगडम में राजा या रानी को वहां का हेड ऑफ स्टेट माना जाता है जो सभी तरह की लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्थाओं से ऊपर होता है और उनकी ना तो कभी गिरफ्तारी हो सकती है ना ही उन पर उनके देश में कोई औपचारिक मुकदमा किसी भी अदालत में चल सकता है। ब्रिटेन के मामले में बड़ी बात यह है कि वहां राज परिवार से जो भी व्यक्ति किंग या क्वीन या राजा या रानी बनता है उसे सरकार के बारे में हर खबर होती है, सरकार उसे रिपोर्ट करती है। हालांकि ब्रिटेन में राजशाही एक शोपीस की तरह है और इसलिए ब्रिटेन चाहे तो वो भारत से आज बहुत कुछ सीख सकता है। वर्ष 1947 में जब हमारे देश को अंग्रेजों से आजादी मिली उस समय भारत में 565 प्रिंसली स्टेट्स यानी रियासतें थीं जिसमें राजे रजवाड़े राज करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे इन्हें समाप्त कर दिया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत में एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था लागू हुई जिसमें राजा और रानियों के लिए कोई स्थान नहीं था।
राजा और रानी भी वैसे ही हो गए जैसे देश के बाकी के आम नागरिक हैं, यानी राजा और रानी भी और जो रॉयल फैमिलीज के जो लोग थे वो भी आम प्रजा की तरह हो गए भारत में 1950 में। लेकिन ब्रिटेन इसे समाप्त करने की हिम्मत आज तक नहीं जुटा पाया, जबकि ब्रिटेन के लोग खुद अब इसका विरोध करते हैं। अब आपको यह बताते हैं कि मणिपुर में यह हिंसा हो क्यों रही है। इसका कारण है मणिपुर हाईकोर्ट द्वारा जारी किया गया एक नया आदेश, जिसमें अदालत ने मणिपुर की बीजेपी सरकार को एक सिफारिश पर अमल करने का निर्देश दिया, और यह सिफारिश मणिपुर के मैतेई समुदाय से जुड़ी हुई है। इसमें लिखा है कि मणिपुर का जो मैतेई समुदाय है उसे भी राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए, और इसी बात का मणिपुर में विरोध हो रहा है। मणिपुर में कुल 33 अनुसूचित जनजातियां ऐसी हैं जिन्हें सरकार द्वारा मान्यता दी गई है, और ये सभी जनजातियां मुख्य तौर पर दो समुदायों में बटी हुई हैं। एक समुदाय को नागा कहते हैं और दूसरे को कुकी कहते हैं, और यही दोनों समुदाय इस समय मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का विरोध कर रहे हैं। और इस विरोध के भी दो कारण हैं, पहला है धर्म और दूसरा है जमीन। दुनिया भर में भी जो दंगे होते हैं, हिंसा होती है, वो या तो धर्म के नाम पर होती है या फिर जमीन के नाम पर होती है, और इसमें तो दोनों है। आप तो शायद जानते भी नहीं होंगे कि महात्मा गांधी के पोते कौन थे, क्या उनका नाम था। अरुण गांधी की उम्र 89 वर्ष थी और वो पिछले कई महीनों से बीमार चल रहे थे। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए जो महाराष्ट्र के कोल्हापुर से आई। कोल्हापुर में इसी जगह पर अरुण गांधी का अंतिम संस्कार किया गया और उनके बेटे तुषार गांधी ने उन्हें यहां पर मुखाग्नि दी। अरुण गांधी महात्मा गांधी के बेटे मणिलाल गांधी के बेटे थे और वो जीवन भर अपने दादा यानी महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलते रहे, और उन्होंने दुनिया भर में महात्मा गांधी के विचारों को आगे बढ़ाया और उनसे जुड़ी कई किताबें भी उन्होंने लिखी हैं। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो भारत के लोगों को इसके बारे में शायद पता भी नहीं चला, और जिन लोगों ने गांधी सरनेम का राजनीतिक लाभ उठाया है, जो गांधी सरनेम का इस्तेमाल करते करते शीर्ष पदों पर पहुंच गए, सरकारी बंगलों में रहते हैं, सरकार चलाते हैं, उन्होंने भी अभी तक इस पर कोई शोक नहीं जताया है। जबकि हम तो ये कहते हैं कि जो आज अगर आप कहेंगे जो आज का जो गांधी परिवार है, गांधी परिवार के किसी सदस्य को तो कम से कम महात्मा गांधी के पोते के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जाना चाहिए था, और ये अंतिम संस्कार जो हुआ है महात्मा गांधी के पोते का, आप देखिए कितनी सादगी से हुआ है, और मुश्किल से 40 से 50 लोग इसमें शामिल हुए हैं। कोई राज्य से कहीं से भी किसी सरकार से कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा, कोई इस देश का ऐसा व्यक्ति नहीं पहुंचा। तिहाड़ी नहीं, पिछले कुछ वर्षों में भारत की जेलों से आई खबरें ये बताती हैं कि जेल के अंदर एक ऐसा बाजार है जिसमें हथियारों के साथ साथ नशे और अय्याशी का हर वो सामान मिलता है जिसे गैंगस्टर्स पाना चाहते हैं, और कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तिहाड़ की सुरक्षा को नाकाम करने का पहला उदाहरण मशहूर अपराधी चार्ल्स सोबराज का मिलता है। दिखनी किलर नाम से मशहूर चार्ल्स सोबराज ने 1986 में अपने जन्मदिन पर तिहाड़ जेल के कर्मचारियों के लिए मिठाई मंगवाई और मिठाई में नशीला पदार्थ मिला दिया। सुरक्षा कर्मी पुलिस वाले बेहोश हो गए और वो बड़े आराम से जेल से फरार हो गया था। आज के हालात की बात करें तो सुकेश चंद्रशेखर ने तिहाड़ में वो सब किया जो वो शायद अपने आलिशान घर में बैठकर करता होगा। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कोर्ट को बताया कि बॉलीवुड की 3 हीरोइनें सुकेश से मिलने तिहाड़ जाया करती थी और सुकेश राम चंद्रशेखर वीडियो कॉल पर अभिनेत्रियों से बात किया करता था। ये उसका सेल है जब वहां पर छापा पड़ा था।